मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, पंजाब वालों की आवाज ऐसी है क्या? मोदी जी प्रयागराज में है, उन तक आवाज जानी चाहिए। गुरुओं की नगरी में भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी खींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान श्वेत मलिक जी, हमारे संगठन मंत्री जो पंजाब के भी संगठन की चिंता करते हैं, भाई रामलाल जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पंजाब के प्रभारी श्रीमान प्रभात झा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान भाजपा के प्रभारी श्री अविनाश राय खन्ना जी, राष्ट्रीय मंत्री तरुण चुग जी, सांसद और केंद्रीय मंत्री श्रीमान विजय सांपला जी, हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी, मदन मोहन मित्तल जी, राकेश राठौड़ जी, श्री दयाल सोढ़ी जी, आनंद शर्मा जी, मनोरंजन कालिया जी, राजेंद्र भंडारी जी, श्री कमल शर्मा जी, श्री अश्विनी शर्मा जी, श्री दिनेश बाबू, श्री सोम प्रकाश जी, श्री अरुण नारायण जी, श्री प्रवीण बंसल जी, और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे मेरे सभी शक्ति केंद्र के अध्यक्ष भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं कि मुझे आने में बहुत देर हो गई। आज मोदी जी ने जो किसानों के लिए एक बहुत बड़ी योजना का शुभारंभ भी किया है, इसके कारण मैं थोड़ा लेट हुआ, उसके बाद मैं बात में करूंगा। मगर सबसे पहले अभी अभी हमने 2 मिनट का मौन रखा क्योंकि कुछ दिन पहले पुलवामा में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे 40 सीआरपीएफ के जवानों को मौत के घाट उतारा और वह शहीदों ने मां भारती के लिए अपने जीवन को न्योछावर की। ये पंजाब अपना कोई भी जगह देश भर में देश की रक्षा की बात आए और पंजाब पीछे रह जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। पंजाब के भी 4 जवान स्वर्गस्थ कुलविंदर सिंह आनंदपुर साहिब से, श्री मनिंदर सिंह गुरदासपुर से, सुखजिंदर सिंह तरन तारण से, जयमल सिंह मोगा से, ये चारों जवानों ने अपनी जान भारत माता की रक्षा के लिए न्योछावर की। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से ये 40 के 40 जवानों के परिवारों को आश्वासन देना चाहता हूं कि करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपकी इस दुख की घड़ी में चट्टान की तरह आपके साथ खड़े हैं। आपके परिवार से जिस जवानों ने अपना बलिदान दिया है, खून बहाया है, मैं इनको इतना ही कहना चाहता हूं, ये 40 जवानों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आतंकवादियों को बड़े ढंग से ऐसा सबक सिखाएगी कि लंबे समय तक इनके हौसले पस्त हो जाए। मित्रों, ये पंजाब वीरों की भूमि, किसानों की भूमि है, संतों की भूमि है, गुरुओं की भूमि है, और एक तरह से देखिए
तो पंजाब नदियों की भी नगरी। मैं आज गुरुओं की नगरी में आया हूं, सभी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की ओर से अकाल तख्त साहिब की ओर मेरा मत्था झुकाकर प्रणाम करकर मैं बात करना चाहता हूं। मित्रों, पंजाब देश आजाद हुआ तब से पंजाब देश के लिए अन्न का भंडार रहा। एक जमाना था कि देश की जनता के खाने के लिए गेहूं और धान इंपोर्ट करने पड़ते थे। अमेरिका लाल गेहूं भेजता था यहां पर, और उस वक्त पंजाब के किसानों ने अपना पसीना बहाकर देश की जनता के पेट में स्वदेशी अन्न पहुंचाने का काम ये पंजाब के मेरे किसान भाइयों ने किया। देश की सुरक्षा के लिए भी पंजाब के जवान कभी नहीं वापिस। और मित्रों, आज तो मैं अमृतसर साहिब में आया, कुछ समय पहले श्री हरमिंदर साहिब गया था मैं, वहां हेरिटेज वॉक के माध्यम से अंदर पहुंचा था। हरमिंदर साहिब का बदला हुआ स्वरूप देखकर पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो जाती है। इस प्रकार का हरमिंदर साहिब बनाने का काम भाजपा अकाली दल की सरकार ने किया। मित्रों, मैं सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को, उनकी सरकार में हमारे साथी जो थे उस वक्त, सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हेरिटेज वॉक का हरमिंदर साहिब के सामने रचना किया है, पूरी दुनिया में जहां जहां भी भारतीय बसते हैं आज इसकी वाहवाही करते हैं। मैं यहां भगवान वाल्मीकि की तपोस्थली रामतीर्थ में भी गया था, वहां पर भी भगवान वाल्मीकि का एक भव्य मंदिर और राम दरबार लगाया हुआ है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंजाब के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहां मोदी जी और अरुण जी दोनों का थोड़ा पंजाब के लिए पक्षपात ही रहता है, क्योंकि मोदी जी पहले आपके चुनाव संगठन के प्रभारी रहे और अरुण जी भी अमृतसर पर विशेष नहीं रखते। इसलिए जब पंजाब को विकास का सवाल आता है, भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं है। मगर अभी अभी सरकार बदली है, बहुत सारे कार्यकर्ता भी मुझे मिलते हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट भी मिलते हैं। एक अनुभवी जर्नलिस्ट को मैंने पूछा कि भैया बताओ, हमारी सरकार चलती थी सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब के नेतृत्व में, वो सरकार और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के बीच में फर्क क्या है? तो उसने बड़े तरीके से कहा कि साहब, एक समाज सेवी किसान सरकार चलाता है तो कैसी चलती है, वो सरदार प्रकाश सिंह बादल की सरकार देखकर मालूम पड़ता है, और राजे महाराजे सरकार चलाते हैं तो कैसी चलती है, वो कैप्टन साहब की सरकार देखकर। इतनी सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो शुरू की थी, वो सारी चीजों को बंद 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 करने का काम कैप्टन साहब ने किया। अभी कैप्टन साहब थोड़े वोकल हुए, शायद अब उनको समय भी मिला है, तो चुनाव नजदीक आते ही बोलना शुरू कर देते हैं, कभी कभार चंडीगढ़ रुक भी जाते हैं, कभी कभार ऑफिस भी चले जाते हैं। अभी अभी इन्होंने पूछना शुरू किया कि भारत सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। कैप्टन साहब, आप हमारा हिसाब मांगते हो? आपने वादा किया था कर्जा कुर्की को खत्म करेंगे, उसकी रकम पूरी करेंगे, आपके वादे का क्या हुआ? एक माह के अंदर नशा खत्म करने का यही अमृतसर में वचन दिया था, क्या हुआ? घर घर नौकरी और नहीं बनी तो 2500 रुपये का
बेकारी भत्ता देने का वादा किया था। मैं पूछना चाहता हूं, इतना समय हुआ क्या हुआ? कर्ज माफी के वादे राहुल बाबा ने पंजाब के चुनाव में किए थे और कर्ज माफी क्या हुई? जिस तरह से कर्ज माफी की है, इसका कोई लाभ पंजाब के किसानों को नहीं मिला। मित्रों, ठेके पर कर्मचारी थे, उनको आपने कहा था परमानेंट करेंगे, कुछ नहीं हुआ। सातवां वेतनमान देने की बात, कुछ नहीं हुआ। और मित्रों, ढेर सारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू की थी, वो योजनाओं को बंद करने का काम ये कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने किया। मित्रों, बठिंडा और रोपड़ थर्मल प्लांट बंद, ट्रक यूनियनों को बंद, कर्मचारी को वेतन आयोग देने की दरखास्त बंद, सरकारी नौकरी देना बंद, गांव में विकास कार्यों बंद, बेकारी भत्ता देना बंद, इनके आने के बाद 800 सरकारी स्कूल हो गए बंद, कर्जा माफी 90,000 करोड़ की करनी थी, सिर्फ 1,800 करोड़ की, लगभग 1933 सस्ती दवाई के केंद्र बंद, सरकारी 750 दवाखाने बंद, आटा दाल के साथ चीनी पत्ती 50% बंद, 2500 रुपया पेंशन देना था बंद, स्कूली विद्यार्थियों की किताबें बंद, वर्दियां बंद, 2 साल से साइकिल स्कीम बंद, एससी स्कॉलरशिप की छात्रवृत्ति मिल नहीं रही, बीसी की मुफ्त बिजली बंद कर दी है, तीर्थ यात्रा के लिए जो ग्रांट होती थी वो भी बंद कर दी है, वर्ल्ड कबड्डी की स्पर्धा बंद कर दी है। मुझे मालूम नहीं है सरकार विकास करने वाली सरकार है या विकास को बंद करने वाली सरकार है। राजा साहब, आपने सारे के सारे विकास के काम बंद करने की काम किया। और मित्रों, आपने जो सरकार बनाई, पंजाब की जनता ने जो आशीर्वाद दिया नरेंद्र मोदी जी को, 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और सबसे पहला काम किया उन्होंने, इतने साल से 84 के दंगा पीड़ितों को कुछ नहीं दे रहे थे, एक SIT बनाकर उसकी जांच तो शुरू की ही, मगर 5-5 लाख रुपए सिख परिवारों को देने का, दंगा पीड़ित परिवारों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार ने 30 साल तक एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई थी। मोदी जी ने SIT बनाई और आज सज्जन कुमार जेल के अंदर चक्की पीसने का काम कर रहे हैं, उनको सजा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। करतारपुर साहिब, अभी नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान जाकर करतारपुर साहिब लेकर आया। सिद्धू साहब, आप क्या करतारपुर साहिब का फैसला कराओगे? आप तो पाकिस्तान के सेनापति को, जो हमारे जवानों को मौत के घाट उतारता है, इसके गले पड़कर गले मिलकर आए थे। आपने देश का नाम नीचा करने का काम किया। आप करतारपुर साहिब नहीं लाए। आप जिस पार्टी में हो उसने करतारपुर साहिब पाकिस्तान में देने का काम किया था। अरे 5 किलोमीटर दूर था सीमा से, 6 किलोमीटर दूर था। अगर करतारपुर साहिब पर सम्मान होता तो इतनी भूमि पाकिस्तान में जाने ही न देते। आपने तो पाकिस्तान में भेजने का काम किया था। नरेंद्र मोदी जी ने कॉरिडोर बनाकर दुनिया भर के हिंदू और सिख श्रद्धालुओं को करतारपुर साहब का दर्शन करने का मौका देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंजाब के विकास के लिए ढेर सारे काम किए, ढेर सारे। अभी तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार पंजाब के विकास के लिए कितना पैसा दी। सोनिया मनमोहन की जो सरकार थी वो पंजाब के विकास के लिए 30,157 करोड़ रुपया देती थी, 30,000 करोड़ रुपया। जरा सब कार्यकर्ता बोलिए कितने रुपये देती थी, और जोर से बोलिए कितने। अब नरेंद्र मोदी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुल मिलाकर 1,61,907 करोड़ रुपया ये पंजाब के विकास के लिए देने का। ढेर सारे इंस्टीट्यूशन देने का काम किया, नेशनल हाईवे की योजनाएं दी, अमृतसर को हेरिटेज सिटी के लिए 61 करोड़ रुपया दिया, प्रसाद स्कीम योजना के तहत लिया, अमृतसर के अंदर ढेर सारा काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का निर्णय किया। और मित्रों, मैं कामों की सूची बोलना नहीं चाहता, परंतु कुछ बात तो मैं जरूर गिनाना चाहता हूं। मित्रों, सबसे पहला काम अमृतसर को हेरिटेज सिटी, स्मार्ट सिटी करने का किया, अमृतसर को ही आईआईएम देने का काम किया, बाद में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश वर्ष को मनाने के लिए और दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में गुरु नानक साहब के नाम से चेयर प्रस्तापित करने का निर्णय करा, बाद में आनंदपुर साई मैरिज एक्ट को लागू किया, और सबसे बड़ा काम किया है मित्रों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक गेहूं और धान के प्रदेश में 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। इतने सालों थे देश के किसान मांग करते थे मगर कांग्रेस सरकार मानती नहीं थी। हमने इसको 1 ही 5 साल के अंदर पूरा करने का काम किया, बठिंडा के अंदर एम्स बनाने का काम किया, अमृतसर मेडिकल कॉलेज को 150 करोड़ रुपया और पटियाला मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिस्टी का दर्जा देने का काम किया, मोहाली बठिंडा लुधियाना और आदमपुर हवाई अड्डों का अपग्रेडेशन और नए बनाने की शुरुआत की, हजूर साहिब और वैष्णो देवी हवाई यात्रा के लिए 100 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने एक्स्ट्रा काम किया, गुरुद्वारों के लंगर और मंदिरों के प्रसाद पर से जीएसटी माफ किया, पंजाब में 4 और 6 लेन की सड़कें बनाने के लिए अकेले पंजाब में 45,000 करोड़ रुपया के नेशनल हाईवे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हरसिमरत जी फूड प्रोसेसिंग मंत्री है, 3 मेगा फूड पार्क, 19 कोल्ड चेन और 1 फेड टेस्टिंग, 4 फूड प्रोसेसिंग यूनिट सहित 41 प्रोजेक्ट बनाए जो पंजाब के किसानों की उपज के वैल्यू एडिशन के लिए काम करेंगे। और मित्रों, लगभग 11 लाख गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। मित्रों, एक और पंजाब के विकास के लिए उनसे 4 गुना रुपया देने वाली भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार, एक और जिनका पूरा जीवन पंजाब की सेवा में गया, कई सालों तक आजादी के लिए और बाद भी जेल में रहने के लिए संघर्ष किया, ऐसे प्रकाश सिंह बादल साहब का नेतृत्व है और दूसरी ओर एक गठबंधन का टोला है। मित्रों,
इस सारे पंजाब के कार्यकर्ता आए हैं, मैं पूछना चाहता हूं एक गठबंधन देश का भला कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकता है क्या? मित्रों, मैं बूम लगा लगा कर थक गया कि राहुल बाबा, आपके गठबंधन का नेता कौन है बताइए जरा। आपको देश की जनता सत्ता देती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई नाम नहीं देता। आपको मालूम है ना गठबंधन का नेता कौन है भाई, बता सकते हो आप? बता सकते हो? मैं बता दूं, एक चुटकुला चल रहा है आजकल कि अगर गठबंधन की सरकार बनी तो सोमवार को बहन मायावती प्रधानमंत्री बनेगी, मंगलवार को अखिलेश यादव बनेंगे, बुधवार को ममता बनर्जी बनेगी, गुरुवार को देवगौड़ा जी बनेंगे, शुक्रवार को चंद्रबाबू नायडू बनेंगे, शनिवार को स्टालिन बनेंगे और राहुल भैया फील्डिंग करेंगे, इतवार को छुट्टी हो जाए। ऐसे कोई देश चल सकता है क्या? ये गठबंधन के नेता देश की जनता को कहने निकले, हमें मैंडेट दीजिए, पहले आप आपका नेता तो तय कर कर आओ कि आपका नेता कौन है। हमारी ओर से तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बहुमत मिलने के साथ ही हमारे नेता नरेंद्र मोदी 19 में फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल और हमारे सारे साथी भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल और हमारे सारे साथी मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले हैं। और कांग्रेस वालों को जो स्वप्न आते हो, सामने दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं, नरेंद्र मोदी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के स्वरूप में 24 घंटे में से 18 घंटा काम करने वाला प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। ये भ्रष्टाचार के आरोप, 12 लाख करोड़ रुपए के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली यूपीए, आज हमारे प्रधानमंत्री पर कोई चौंने का भी आरोप लगा नहीं सकता, ऐसा प्रामाणिक प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं, सबसे प्रामाणिक प्रधानमंत्री हमने दिया है, दुनिया में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री दिया है, एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री दिया है, एक संवेदनशील प्रधानमंत्री दिया है, और किसानों के लिए जिसका दिल रोज संवेदना के साथ धड़कता है, ऐसा किसान हितैषी प्रधानमंत्री देने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, अभी अभी नरेंद्र भाई बजट लेकर आए, मैं पंजाब के छोटे व्यापारियों को कहना चाहता हूं कि 40 लाख तक जिसका टर्नओवर है वो सारे के सारे व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी टैक्स से मुक्ति देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। 2.5 लाख जो सीमा थी इनकम टैक्स के लिए, वो 2.5 लाख की सीमा को एक ही झटके में 2 गुना करने कर 5 लाख तक जिनकी आय है वो सारे लोगों का इनकम टैक्स से मुक्ति देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। 60 लाख तक जिनका टर्नओवर है, इस सारे छोटे व्यापारियों को जिनका टर्नओवर 60 लाख है, वो सारे व्यापारियों को इनकम टैक्स से मुक्ति देने का काम, अब उनको इनकम टैक्स भरना ही नहीं है। 60 लाख का टर्नओवर है, 60 लाख का टर्नओवर, गांव के सारे व्यापारी इनकम टैक्स की चुंगाल से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। गरीब बच्चे जो आरक्षित जातियों में नहीं थे, उनका ना, उनको ना पढ़ने की सुविधाएं मिलती थी ना आरक्षण मिलता था,
वो अग्रणी समाज के सभी बच्चे जिनकी जाति आरक्षण के लाभ नहीं लेती है वो सारे बच्चों के लिए 10% रिजर्वेशन करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मित्रों जो अनऑर्गेनाइज लेबर है, रेडी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, प्लम्बर है, बिजली का रिपेयरिंग करते हैं, उनके लिए कोई योजना नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी उनकी 60 साल की आयु के बाद हर माह उनको 3,000 रुपया पेंशन मिले, इस प्रकार की योजना अनऑर्गेनाइज मजदूरों के लिए लेकर आई। और सबसे बड़ी बात, देश के 12 करोड़ 13 करोड़ किसानों के लिए 6,000 रुपया हर साल उसके बैंक अकाउंट में, छोटे और सीमांत किसान को 6,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में डालने का काम, वो योजना आज ही नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा कर दी। राहुल बाबा इसका मखौल उड़ा कि हमने कर्ज माफी की मांग की। राहुल बाबा आपकी सरकार थी 10 साल तक चली, कितने किसानों का कर्ज माफ किया? 10 साल में एक बार 3 करोड़ किसानों का 52,000 करोड़ रुपया माफ किया था। कितना किया था बोलो भाई जोर से। नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना के माध्यम से 3 करोड़ के सामने 12 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक अकाउंट में 75,000 करोड़ रुपया भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और ये 75,000 करोड़ रुपया एक साल का होता है, उन्होंने 10 साल में एक बार ऋण माफ किया। हमारा 10 साल का हिसाब लगाइए तो 7.5 लाख करोड़ रुपया हर किसान के बैंक अकाउंट में भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। मित्रों ढेर सारे काम करेंगे। चुनाव के अंदर पूरा देश मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। मित्रों ये गठबंधन की सरकार, ये राहुल बाबा के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है स्वार्थी लोगों का, ये सरकार देश को आगे नहीं ले जाती, देश को दुनिया में महासत्ता बनाने का काम नहीं कर सकती। अगर देश को दुनिया में महासत्ता बनाना है तो वो काम हमारे, मेरे और आपके प्रिय नेता नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इतने सारे कार्यकर्ता बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए आप, ये पाकिस्तान के आतंकवादी हमलों का मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस पार्टी दे सकती है क्या? जरा जोर से बोलो, दे सकती है क्या? आतंकवादियों का सफाया कर सकती है क्या? शहीदों की शहीदगी का सम्मान कर सकती है क्या? अगर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं मित्रों, और कोई नहीं। और लगभग लगभग कल हरियाणा समाप्त होते ही बिहार छोड़कर पूरे देश का मेरा दौरा समाप्त हो जाएगा। मैं जहां जहां गया हूं जनता के अंदर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने की एक हवा दे। और मैं पंजाब के कार्यकर्ताओं को भी आज अपील करने आया हूं, पंजाब की जनता को भी निवेदन करने आया हूं, क्या आप नरेंद्र मोदी जी का साथ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी को एक मौका दीजिए। मुझे बताइए भाई, 3 महीना बाकी है, पंजाब के सारे कार्यकर्ता ये 3 महीने तक हमारी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कोई भी प्रत्याशी हो, भाजपा का हो या अकाली दल का, उसको जिताने के लिए हम मेहनत करेंगे क्या? क्यों भाई आवाज ऐसी कम हो गई? जरा जोर से बोलो, करेंगे क्या? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, देश को दुनिया में महासत्ता बनाने के लिए मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे,
और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जो बोले सो निहाल, वंदे मातरम।